जब से ऑस्कर्स हुए हैं तब से हर ओर ऑस्कर ही ऑस्कर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। इसी बीच शाहरुख खान का एक वीडियो आता है जिसमें वो पैरासाइट और जोकर जैसी फिल्मों के बारे में बात करते सुने जा सकते हैं। पैरासाइट ने जो किया है जाहिर तौर पर उसे आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपको याद दिलाते रहेंगे ना। इस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में 4 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ऑस्कर के 51 साल के इतिहास में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली ये पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाहरुख खान हाल फिलहाल में आई फिल्मों में इसे अपनी पसंदीदा बताते हैं। उनकी फेवरेट लिस्ट में जोकर का भी नाम है, जिसके लिए वॉकिन फीनिक्स ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऑस्कर। हालांकि शाहरुख खान पैरासाइट को अब तक की सबसे महान फिल्मों में नहीं गिनते। उनके मुताबिक शोले और डर्टी हैरी ऑल टाइम ग्रेट फिल्में हैं। वो वीडियो में आप देख सकते हैं वो बोल रहे हैं। ये एक फैन क्लब अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसका लिंक हमारी स्टोरी में है और उस स्टोरी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान ने पैरासाइट की बात की हो। जब ये फिल्म बस चर्चा में आनी शुरू ही हुई थी तब उन्होंने इसका रिव्यू कर दिया था। उन्होंने अक्टूबर 2019 में इसके बारे में एक ट्वीट करते हुए लिखा था, मैंने अभी अभी अपने बच्चों के कहने पर साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट देखी। क्या कमाल की परेशान करने वाली फिल्म है। सामाजिक हैसियत पर एक अनोखा नज़रिया, दुनिया की जो हालत है और जिस सांसारिक उम्मीद पर हम पलते और जीवित रहते हैं उसकी परजीवी प्रकृति को बताती है। हम समझ रहे हैं कि हिंदी में उनकी कही बात को समझना काफ़ी मुश्किल है। शायद इसी वजह से उन्होंने इस कोरियन भाषा की फिल्म के बारे में अंग्रेजी में ही ट्वीट किया था। खैर, ये खबर इतनी ही थी, लेकिन जब शाहरुख की बात शुरू होती है तो ऑफकोर्स ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम उनकी आने वाली फिल्म के बारे में बात ना करें। इंडिया में जितने भी पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं हर दूसरे दिन ये खबर आती है कि शाहरुख खान उनकी अगली फिल्म में काम करने वाले हैं। इस लिस्ट में राजकुमार हिरानी से लेकर करण जौहर, बिगिल वाले एटली कुमार और द फैमिली मैन वाले राजन डी के सब शामिल हैं। लेकिन शाहरुख खान के साथ अगली फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स की रेस में सबसे आगे राज एंड डीके का ही नाम है। वो इसलिए क्योंकि इस डायरेक्टर जोड़ी ने इस कोलैबोरेशन के बारे में राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में खुद बता दिया है। अब इस जो कोलैबोरेशन का प्रोडक्ट है उसको देखने की इंतज़ार में हम सभी हैं। हो सकता है कोई पोस्टर आ जाए, कोई फर्स्ट लुक आ जाए, कोई टीज़र आ जाए, बस जो भी आएगा शाहरुख खान की अगली फिल्म का वो तो तहे दिल से इंतज़ार है उसका और देखा भी बहुत जाएगा। आपको कुछ कहना है तो ज़रूर आप कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। सिनेमा जगत के किसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।